साहिबगंज मनिहारी के बीच चलने वाली गंगा पुल निर्माण कंपनी का एक जहाज बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें एक ट्रक गंगा में समा गया जबकि एक ड्राइवर लापता हो गया। बता दें कि साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल निर्माण करा रही डीबीएल कंपनी के एक जहाज साहिबगंज गर्म घाट में असंतुलित हो गया, जिसमें चार ट्रक में से एक ट्रक गंगा में ही समा गया जबकि तीन ट्रक जहाज पर ही पलट गए। डीबीएल कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि साहिबगंज से जहाज पर ट्रक चढ़ाया जा रहा था, इसी क्रम में तीन ट्रक चढ़ने के बाद चौथे ट्रक का टायर फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और जहाज असंतुलित हो गया। बता दें कि जहाज पर एक ड्राइवर ससमुद्दीन भी सवार थे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। कंपनी लापता कर्मी को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, वहीं ट्रक को भी निकालने की कोशिश जारी है। जहाज सुबह 8 बजे अपने लोडिंग के लिए जब जहाज खड़ा हुआ, लोडिंग करने के लिए ड्राइवर बढ़ा, उस दौरान कोई टायर फटने की सूचना मिली और तीन गाड़ी तो जहाज पे ही पलटी मार दिया। एक जहाज नीचे गया है जिसका ड्राइवर सफरुद्दीन अंसारी अभी तक लापता है, कोई सत्यता नहीं है। एक गाड़ी नीचे गई है, तीन गाड़ी जहाज पे पलटी, चार लोगों के गायब होने की बात सामने आ रही है। एक की वो जो भी है मेरा इम्प्लॉई है, ऑन रिकॉर्डेड इम्प्लॉई है और ऑन रिकॉर्डेड मैं बयान दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है सफरुद्दीन अंसारी ड्राइवर जो लापता है। तो क्या कुछ किया जा रहा है सर कि वो जो निकालने के लिए? अभी मैं रेस्क्यू करके सबको निकाल दूंगा। सात बजे के बीच में शुरू किया, 8 बजे लापरवाही सामने आ रही है। 8 बजे से पहले विजिबिलिटी कम थी, 8 बजे जिस समय घटना है उस समय विजिबिलिटी थी, उस दौरान हम यहाँ पे काम शुरू किया। न्यूज विंग के लिए साहिबगंज से पंकज कुमार वर्मा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।